ओम शांति 30 अप्रैल साकार मुरली मीठे बच्चे श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। प्रश्न, बाप की ज्ञान डांस किन बच्चों के सन्मुख बहुत अच्छी होती है? उत्तर, जो ज्ञान के शौकीन है, जिन्हें योग का नशा है उनके सामने बाप की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। नंबर वार स्टूडेंट है परंतु यह वंडरफुल स्कूल है, कईयों में जरा भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है। उस भावना के आधार पर भी वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ओम शांति रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान व स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है और कोई भी मनुष्य मात्र में रूहानी नॉलेज होती नहीं। रूहानी नॉलेज देने वाला ही एक है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना। बैरिस्टर बैरिस्टर है, डॉक्टर डॉक्टर है, हर एक की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है। हर एक की आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना। गाते भी है, चमकता है ब्रुकुटी के बीच, यह भी गाया जाता है। निराकार आत्मा का यह शरीर है तख्त, है बहुत छोटी सी बिंदी और सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक जन्म के फीचर्स न मिले दूसरे से, एक जन्म का पार्ट न मिले दूसरे से। किसी को भी पता नहीं है कि हम पास्ट में क्या थे फिर फ्यूचर में क्या होंगे। यह बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं। सुबह को तुम बच्चे याद के यात्रा में बैठते हो तो उजाई हुई आत्मा प्रज्वलित होती रहती है क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है। बाप सोनार का भी काम करते हैं। पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती है उनको प्योर बनाते हैं। खाद पड़ती तो है ना, चांदी तांबा लोहा आदि नाम भी ऐसे हैं। गोल्डन एज सिल्वर एज सतो प्रधान सतो रजो तमो, यह बातें और कोई भी मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, एक सतगुरु ही समझाएंगे। सतगुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना, उस सतगुरु को भी तख्त चाहिए ना। जैसे तुम आत्माओं को अपना अपना तख्त है उनको भी तख्त लेना पड़ता है। कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूँ, यह दुनिया में कोई को पता नहीं है, वह तो नेति नेति कहते आए हैं, हम नहीं जानते हैं। तुम बच्चे भी समझते हो, पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे। जो कुछ भी नहीं समझते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। भारतवासी समझते हैं, हम बहुत समझदार थे, विश्व का राज्य भाग्य हमारा था, अब बेसमझ बन पड़े हैं। बाप कहते हैं तुम शास्त्र आदि भल कुछ भी पढ़े हो यह सब अब भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं। कोई कोई सच्चे फॉलोअर्स होते हैं तो उनके साथ रहते हैं, बाकी कोई कहां रहते हैं। तो यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान की डांस। योग तो है साइलेंस, ज्ञान की होती है डांस। योग में तो बिल्कुल शांत रहना होता है, डेड साइलेंस कहते हैं ना, 3 मिनट डेड साइलेंस। परंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं। सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं परंतु वहां थोड़ी शांति मिल सकती है। एक कहानी भी है रानी का हार गले में, यह मिसाल है शांति के लिए। बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वह दृष्टांत
फिर भक्ति मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, यह तो तुम समझ सकते हो। बाकी यह दुनिया ही तमो प्रधान पतित है, क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वॉइसलेस वर्ल्ड अक्षर कहते हैं, परंतु उनका अर्थ नहीं समझते। तुम ही पूज्य सो पुजारी बने हो। बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता, बाप कभी पुजारी बनते नहीं। मनुष्य तो कण कण में परमात्मा कह देते हैं, तब बाप कहते हैं भारत में जब ऐसी धर्म ग्लानी होती है वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही श्लोक पढ़ लेते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। वह समझते हैं शरीर ही पतित बनता है, आत्मा नहीं बनती है। बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी है, तब शरीर भी पतित बना है, सोने में ही खाद पड़ती है तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है, परंतु वह सब है भक्ति मार्ग में। बाप समझाते हैं हर एक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता है जीव आत्मा, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेते पार्ट बजाती है, तो योग है बिल्कुल साइलेंस, या फिर है ज्ञान डांस। बाप की ज्ञान डांस भी उन्हों के आगे होगी जो शौकीन होंगे। बाप जानते हैं किसमें कितना ज्ञान है, कितना उनमें योग का भी नशा है। टीचर तो जानते होंगे ना, बाप भी जानते हैं कौन कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का ही जहां तहां बुलावा होता है, बच्चों में भी नंबरवार है, प्रजा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। यह स्कूल अथवा पाठशाला है ना, पाठशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं, समझ सकते हैं फलाना होशियार है, यह मीडियम है। यहाँ तो यह बेहद का क्लास है, इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते। बाबा जानते हैं हमारे सामने यह जो बैठे हुए हैं, इनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, सिर्फ भावना है, बाकी तो न ज्ञान है न याद है, इतना निश्चय है। ये बाबा है, इनसे हमको वर्षा लेना है। वर्षा तो सबको मिलना है, परंतु राजाई में तो नंबरवार पद है, जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। यहाँ सभी को प्राइज देते रहते हैं, जो राय देते हैं माथा मारते हैं उनको प्राइज मिल जाती है। अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शांति कैसे हो। बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शांति कब थी, कभी सुनी व देखी है, किस प्रकार की शांति मांगते हो, कब थी। तुम प्रश्न पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो, जो प्रश्न पूछे और खुद न जानता हो तो उनको क्या कहेंगे। तुम अखबारों द्वारा पूछो कि किस प्रकार की शांति मांगते हो। शांति धाम तो है जहां हम सब आत्माएं रहती है। बाप कहते हैं एक तो शांति धाम को याद करो, दूसरा सुख धाम को याद करो। सृष्टि के चक्र का पूरा ज्ञान न होने कारण कितने गपोड़े आदि लगा दिए हैं। तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिर ताज बनते हैं, हम देवता थे अब फिर मनुष्य बने हैं। देवताओं को देवता कहा जाता है, मनुष्य नहीं, क्योंकि देवी गुणों वाले हैं ना। जिनमें अवगुण है वह कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। शास्त्रों में जो बातें सुनी है वह सिर्फ गाते रहते हैं अच्युतम केशवम, जैसे तोते को सिखलाया जाता है। कहते हैं बाबा आकर हम सबको पावन बनाओ। ब्रह्मलोक को वास्तव में दुनिया नहीं कहेंगे,
वहां तुम आत्माएं रहती हो। वास्तव में पाठ बजाने की दुनिया यही है, वह है शांति धाम। बाप समझाते हैं, मैं बैठ तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। यह भी अभी सुनते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। पुरानी पतित दुनिया रावण की दुनिया है, जो नंबर वन पावन था, वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है। उनको अपना रथ बनाता हूँ, फर्स्ट सो लास्ट में आया हूँ, फिर फर्स्ट में जाना है। चित्र में भी समझाया है, ब्रह्मा द्वारा मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसे तो नहीं कहते हैं, देवी देवता धर्म में आता हूँ। जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायण बनते हैं। विष्णु कोई और नहीं है, लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो। विष्णु कौन है यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुमको वेदों शास्त्रों सब चित्रों आदि का राज समझाता हूँ। मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ वह फिर यह बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, यह ब्रह्मा सरस्वती फिर वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इनमें ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्राह्मणों को ज्ञान देता हूँ, तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं, यह फर्स्ट नंबर में सुनते हैं। यह है बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, मेला भी सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी पर लगता है। बड़ा मेला लगता है जहाँ सागर और नदी का संगम होता है। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, यह वह बनते हैं। इनको वह ब्रह्मा सो विष्णु बनने में एक सेकंड लगता है, साक्षात्कार हो जाता है और झट निश्चयी हो जाता है, मैं यह बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। तो यह गदाई क्या करेंगे, सब छोड़ दिया। तुमको भी पहले मालूम हुआ, बाबा आया हुआ है, यह दुनिया खत्म होने वाली है, तो झट भागे। बाबा ने नहीं भगाया, हाँ भट्टी बननी थी, कहते हैं कृष्ण ने भगाया। अच्छा कृष्ण ने भगाया तो पटरानी बनाया ना, तो इस ज्ञान से विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। यह तो अच्छा ही है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं। फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं तब ही कलंगी धर बनते हैं। कलंक लगते हैं शिवबाबा पर, कितनी ग्लानी करते हैं, कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप समझाते हैं, ऐसे है नहीं, हम आत्मा अभी सो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है सबसे उच्च कुल, इनको डिनेस्टी नहीं कहेंगे। डिनेस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है, ये तुम्हारा कुल है बहुत सहज। हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए देवी गुण जरूर धारण करने हैं। सिगरेट बीड़ी आदि का देवताओं को भोग लगाते हो क्या? श्रीनाथ द्वारे में बहुत घी के माल ठाल बनते हैं, भोग इतना लगाते हैं जो फिर दुकान लग जाती है, यात्री जाकर लेते हैं। मनुष्यों की बहुत भावना रहती है, सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, ऐसी मक्खियां आदि होंगी नहीं जो किसी चीज को खराब करे, ऐसी बीमारी आदि वहां होती नहीं। बड़े आदमियों के पास सफाई भी बहुत अच्छी होती है, वहां तो ऐसी बातें ही नहीं होती, रोग आदि होते नहीं। यह सब बीमारियां द्वापर से निकलती हैं। बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम एवर हेल्दी बनते हो। आयु भी बड़ी होती है, कल की बात है 150 वर्ष आयु थी ना, अभी तो 40-45 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वह योगी थे, यह भोगी है। तुम राजयोगी राज ऋषि हो, इसलिए तुम पवित्र हो। परंतु यह है पुरुषोत्तम संगम युग, मास या वर्ष नहीं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प
पुरुषोत्तम संगम युगे युगे आता हूँ। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना, पावन बनना है तो मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, देके सभी धर्म त्याग करो। अब तुमको वापस जाना है, मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने, जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यहाँ तो विकार से पैदा होते हैं, आत्मा जब संपूर्ण पवित्र बनती है तब तुम पुरानी जुत्ती को छोड़ते हो, फिर नई मिलेगी। तुम्हारा गायन है वंदे मातरम, तुम धरती को भी पवित्र बनाती हो, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो, परंतु यह कोई नहीं जानता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है, याद से ही जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप से उच्च पद की प्राइस लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्ञानवान और गुणवान भी बनना है, सर्विस करके दिखाना है। वरदान एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार है एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता, उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही, तो यही नशा रहे कि विजयी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे। स्लोगन नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आवाहन करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। ओम शांति।